अब तक आपने सुना कि पुलिस विराज को अरेस्ट कर लेती है, जबकि नमन ईशानी का दिल जीतने के लिए बच्चों को ढूंढने के बहाने संजीव से मिलने जाता है। इधर तरुण और एपी विराज की गिरफ्तारी की बात सुनते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जबकि विक्रमादित्य संजीव और नमन का पीछा करते हुए सीधा ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के बिल्डिंग में आ पहुंचता है। विक्रमादित्य वहां देखता है कि बच्चों को संजीव ने ही किडनैप किया है। वो बच्चों को बचाने के लिए अचानक से संजीव और नमन के सामने आ जाता है। अब आगे नमन ने सोचा था कि बच्चों को संजीव के पास से ले जाकर वो ईशानी की नजर में हीरो बन जाएगा, लेकिन अचानक अपने सामने विक्रमादित्य को देख वो चौंक गया। संजीव भी विक्रमादित्य को देख डर से भर गया था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, सरदार आप यहाँ? विक्रमादित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, संजीव उर्फ मेरे तात्या, अच्छा हुआ तो मुझे अभी तक भूला नहीं। अब मैं तुझे तेरी सारी गलतियों को याद भी दिलाऊंगा और उन सब गलतियों की सजा भी दूंगा। नमन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि विक्रमादित्य और संजीव के बीच चल क्या रहा है। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, संजीव यार ये कौन है? तुम इसे सरदार क्यों बुला रहे हो? संजीव ने डरते हुए जवाब दिया, अबे ये मर्लिन मर्डर गैंग का मुखिया है, इसका नाम विक्रमादित्य है और मैं पहले इसके ही अंडर में काम करता था। संजीव की बात सुनकर नमन एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर अगले ही सेकंड उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कड़क आवाज में बोला, ये जो भी हो संजीव, लेकिन मैं मंजिल के इतने करीब आकर इसे सब कुछ बिगाड़ने नहीं दे सकता, इसे मैं संभालता हूँ, तुम जाओ अपने आदमियों को बुलाओ। हालांकि संजीव विक्रमादित्य को रोकना चाहता था, लेकिन वो भी जानता था कि विक्रमादित्य को अकेला रोकना उसके बस की बात नहीं है, इसीलिए वो तुरंत ही मदद बुलाने के लिए वहाँ से जाने लगा। इधर नमन को अपनी तरफ आता देख विक्रमादित्य मुस्कुरा उठा। उसने हंसते हुए कहा, रुक जा लड़के, अपने जिस्म पर जुल्म करने का इतना ही शौक है तो खिड़की से कूद जा, पर मेरी तरफ मत आ। विक्रमादित्य नमन से लड़ना नहीं चाहता था, वो बस अपना काम खत्म करके यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उसने जब नमन को चिल्लाते हुए अपनी ओर आते देखा तो विक्रमादित्य ने भी अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और सीधा नमन के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। विक्रमादित्य के मुक्के ने नमन को दिन में ही तारे दिखा दिए। उसने करहाते हुए कहा, ओह उफो, ये कौन है संजीव? क्या यार, इसने तो अपने हाथ में हथौड़ा फिट कर रखा है। नमन संजीव से मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन संजीव वहां से पहले ही जा चुका था। इधर विक्रमादित्य नमन पर वार करने के बाद सीधा अवनी और आरफ के पास आया। हालांकि वहां मौजूद संजीव का एक और गुंडा विक्रमादित्य को रोकने के लिए आगे आया, लेकिन विक्रमादित्य के सामने वो भी बस 2 सेकंड ही टिक सका। संजीव के गुंडों को धूल चटाने के बाद विक्रमादित्य बस अवनी और आरफ को लेकर वहां से जाने ही वाला था, तभी नमन फिर से उसके सामने उठ खड़ा हो गया और कड़क आवाज में बोला, रुक जाओ विक्रमादित्य, तुम मेरी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते। विक्रमादित्य ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से आगे बढ़ा, आजा संजीव के चमचे, अब तुझे भी मैं तेरी औकात दिखा ही दूं। इतना कहते हुए विक्रमादित्य गुस्से से आगे बढ़ा और नमन पर किसी दरिंदे की तरह टूट पड़ा। विक्रमादित्य के हर वार से नमन पहले से ज्यादा घायल हो रहा था।
उसके हाथ पैर के साथ साथ उसके चेहरे से भी खून निकलने लगा और आखिरकार उसने विक्रमादित्य के सामने घुटने टेक ही दिए। नमन को भी रास्ते से हटाने के बाद विक्रमादित्य ने वहीं बेहोश पड़े अवनि और आरफ को देखा और खुद में बुदबुदाते हुए बोला, चलो बच्चों, अब तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देता हूँ। इतना कहते हुए विक्रमादित्य वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी अचानक दरवाजे पर संजीव बहुत सारे गुंडों के साथ आ गया। उन सभी ने अपने हाथों में बंदूक तान रखी थी और संजीव उन सभी के बीच से निकलते हुए कड़क आवाज में बोला, विक्रमादित्य, तुम भले ही एक समय में मेरे सरदार थे, लेकिन अब नहीं। चुपचाप अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो, वरना तुम जानते हो मैं गोलियां चलाने में हिचकिचाऊंगा नहीं। अपने गुंडों के साथ होने की वजह से संजीव का टोन भी बदल गया था, जबकि विक्रमादित्य ने भी जब इतने सारे लोगों को यहाँ देखा तब वो भी सीरियस हो गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और अपने मन में सोचते हुए कहा, यहाँ इतने सारे लोगों से लड़ना खतरनाक है, अगर संजीव ने गोलियां चलवा दी तो बच्चों को भी गोली लग सकती है। खुद में इतना सोचते हुए विक्रमादित्य पीछे हटने लगा, जबकि ये सब देख संजीव मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसने हंसते हुए कहा, विक्रम, मैं जानता हूँ तुम यहाँ सिर्फ बच्चों को छुड़ाने नहीं बल्कि मुझे भी मारने आए थे, लेकिन अब कंट्रोल मेरे हाथ में है, अब मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे। इतना कहते हुए संजीव अपने आदमियों को गोली चलाने का ऑर्डर देने ही वाला था कि तभी विक्रमादित्य ने एक जोर का छलांग लगाया और संजीव के कुछ समझाने से पहले ही वो खिड़की के बाहर जा कूदा। विक्रमादित्य के इस हरकत से संजीव हैरान रह गया। वो तुरंत ही दौड़ता हुआ खिड़की के पास पहुंचा, लेकिन तब तक विक्रमादित्य वहां से जा चुका था। संजीव ने घबराहट भरी आवाज में कहा, ओ गॉड, 15वीं मंजिल से कूदकर भागना, अगर ये कोई कर सकता है तो वो सिर्फ सरदार विक्रमादित्य ही है। विक्रमादित्य वहां से भाग गया था, लेकिन संजीव अभी भी पूरी तरह से अलर्ट था। उसने घायल पड़े नमन को उठाया और हड़बड़ाते हुए बोलना शुरू किया, नमन नमन जल्दी उठो, यहाँ कभी भी पुलिस आ सकती है, उठो उठो, ईशानी को कॉल करो कि तुमने बच्चों को ढूंढ लिया है, हम अपने प्लान को बर्बाद नहीं होने दे सकते। संजीव अभी भी अपने प्लान के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा था, जबकि विक्रमादित्य ने बिल्डिंग से बाहर निकलकर तुरंत ही तरुण को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। तरुण भी दौड़ते हुए इंस्पेक्टर विजय के पास पहुंचा और जब इंस्पेक्टर विजय ने ये सब कुछ सुना तो वो तुरंत ही अपने दल बल के साथ ओबरॉय इंडस्ट्रीज की ओर निकल गया। इधर ईशानी अभी भी अपने घर में बैठी रो रही थी, तभी नमन के कॉल को देख वो चौंक गई। उसने हड़बड़ाते हुए कॉल रिसीव किया, हेलो हेलो नमन, कहाँ हो तुम, अवनि और आरफ का कुछ पता चला? ईशानी के सवालों पर कॉल पर नमन की कर्राहती हुई आवाज आई, ईशानी, मैंने बच्चों को ढूंढ लिया है, अवनि और आरफ दोनों मेरे साथ ही है, मैं ओबरॉय इंडस्ट्रीज में हूँ ईशानी, प्लीज प्लीज जल्दी आओ। नमन को ईशानी से बात करता देख संजीव खुश था। उसे खुशी हो रही थी कि विक्रमादित्य के बीच में आने के बाद भी सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, लेकिन संजीव को जैसे ही ये पता चला कि पुलिस वाले भी यहाँ आ रहे हैं, तो वो नमन को वहीं छोड़कर भाग गया। इधर नमन अभी भी ओबरॉय इंडस्ट्रीज में ही था। उसने सबको दिखाने के लिए आरफ अवनि को अपने सीने से भी लगा रखा था। तभी इंस्पेक्टर विजय अपने दल बल के साथ वहां आ पहुंचा। उसने वहां आते ही कड़क आवाज में बोलना शुरू किया, मिस्टर नमन, कैसे हैं आप,
इंस्पेक्टर के कड़क आवाज को सुन नमन की हालत खराब होने लगी। उसने देखा कि यहाँ पर विराज, तरुण और एपी भी आया है। उसने बुदबुदाते हुए कहा, इंस्पेक्टर ये सब कुछ विराज ने किया है। नमन की बात पर इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, पर नमन विराज ये सब कुछ कैसे कर सकता है, वो तो मेरे कस्टडी में था। इंस्पेक्टर के सवालों ने नमन को बेजवाब कर दिया। उसने डर से हड़बड़ाते हुए कहा, मतलब विराज के गुंडों ने, देखिए उसके गुंडों ने विराज के ही केबिन में बच्चों को छिपा रखा था और विराज के ही गुंडों ने मेरा ये हाल किया। नमन की बात पर इंस्पेक्टर विजय ने इस बार भी मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे नमन जी आपको किसने बताया कि आरव और अवनी यहाँ है? इंस्पेक्टर के सवाल पर नमन डर से अपनी बंगले झांकने लगा। उसने अवनी और आरव से भी अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू कर दी। तभी विराज ने आगे बढ़कर अवनी और आरव को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उन दोनों को पुचकारने लगा। तरुण और एपी भी विराज के इस रूप को देख चौंक गए। तरुण ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, विराज बेटे मैं जानता हूँ कि एक बाप के दिल में क्या चलता है, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। अवनी और आरव को देख तरुण भी मन ही मन ये प्रार्थना करने लगा था कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। इधर विराज अभी भी प्यार से दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरे जा रहा था और तभी वहाँ ईशानी और अनामिका आ गई। ईशानी ने यहाँ आते ही जब नमन को जमीन पर और अवनी आरव को विराज के गोद में देखा तो वो हैरान रह गई। उसने आगे बढ़कर दोनों बच्चों को अपने पास ले लिया और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? एक तो तुमने मेरे बच्चों को किडनैप किया और ऊपर से अब मेरे बच्चों को प्यार कर खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ईशानी की बातों पर विराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस ईशानी की आंखों में एक टकसा देखे जा रहा था। तभी इंस्पेक्टर विजय आगे आया और उसने शांत आवाज में बोलना शुरू किया, ईशानी जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नमन ने ही किया है। इंस्पेक्टर विजय की बात सुन न सिर्फ ईशानी बल्कि अनामिका भी चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? नमन ने ये सब किया, पर क्यों? इधर नमन भी इंस्पेक्टर की बातें सुन बेचैन हो गया था। वैसे विक्रमादित्य के मार ने पहले ही उसका हाल बुरा कर रखा था, लेकिन अब अपना राज सबके सामने खुलता देख उसकी तो मानो धड़कन ही तेज हो गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी सारी ताकत लगाकर उठ खड़ा हुआ और करहाते हुए बोला, देख रही हो ना ईशानी, जब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एक तो मैं अपनी जान पर खेलकर आरव और अवनी को यहाँ बचाने आया हूँ और अब देखो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगाया जा रहा है। नमन को बीच में बोलता देख इंस्पेक्टर ने गुस्से से नमन को देखा और कड़क आवाज में बोलना शुरू किया, मिस्टर नमन बेहतर रहेगा कि आप कुछ देर शांत ही रहे, वैसे भी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, मैं हॉस्पिटल से पहले आपको थाने नहीं ले जाना चाहता। नमन को धमकाने के बाद इंस्पेक्टर फिर से ईशानी की ओर मुड़ा। वो ईशानी को इस बारे में कुछ और भी बोलना चाहता था, तभी ईशानी ने ही बीच में बोलना शुरू कर दिया, इंस्पेक्टर अगर आपको विराज को अरेस्ट नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन प्लीज इन सबका इल्जाम नमन पर मत डालिए। मैं जानती हूँ नमन अवनी और आरव को लेकर कितना परेशान था। ईशानी को नमन का साइड लेता देख इंस्पेक्टर भी शांत हो गया। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ गई और सिपाहियों ने तुरंत ही नमन को एम्बुलेंस में डाल दिया।
नमन को वहां से जाते देख ईशानी ने वहीं चुपचाप खड़े विराज को देखा और धीरे से बोली, इंस्पेक्टर उम्मीद है आपका कानून अंधा नहीं होगा। जिसने भी मेरे बच्चों को किडनैप किया था, उम्मीद है उसको सजा जरूर मिलेगी। विराज ईशानी के हर बात को सिर झुकाए हुए सुन रहा था। उसने ईशानी को कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपनी शून्य सी आंखों से ईशानी को एक टक सा देखता रहा, जबकि ईशानी आरव और अवनी को अपने गोद में उठाते हुए वहां से चली गई। अनामिका के भी कानों में इंस्पेक्टर की कही गई बातें गूंज रही थी। उसने धीरे से पूछा, ईशानी क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इंस्पेक्टर गलत कह रहा है? ईशानी बेबाकी से बोली, और नहीं तो क्या बुआ जी, विराज ये सब कुछ बस पार्टनरशिप के लिए ही कर रहा था। उसे लग रहा था कि बच्चों को किडनैप करने पर मैं उसके साथ पार्टनरशिप कर लूंगी, लेकिन नहीं, वो गलत था। अब तो मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाली। ईशानी की बात पर अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने की ओर देखती हुई अपने मन में बोली, ईशानी बेटा तुम नहीं जानती, लेकिन एक बाप कभी भी अपने बच्चे को किडनैप नहीं कर सकता। अनामिका को इंस्पेक्टर विजय की बातों पर यकीन हो रहा था, लेकिन ईशानी थी कि ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बस प्यार से अवनी और आरफ को सहला रही थी। तभी अवनी के मुंह से हल्की सी बुदबुदाहट को सुन वो चौंक गई। ईशानी ने देखा कि अवनी बेहोशी में होने के बाद भी धीरे धीरे बुदबुदा रही है। विराज अंकल हमें बचाओ। क्या ईशानी विराज की सच्चाई जान पाएगी? क्या नमन सच में गिरफ्तार होने वाला है? आखिर अब संजीव क्या करने वाला है? जानने के लिए सुनिए My Secret Husband का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब तक आपने सुना कि विक्रमादित्य और नमन की लड़ाई में नमन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन फिर संजीव आगे आता है और अपने आदमियों की मदद से विक्रमादित्य को वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। विक्रमादित्य ओबरॉय इंडस्ट्रीज से निकलते ही तरुण को कॉल पर सब कुछ बता देता है और तरुण इंस्पेक्टर विजय के साथ तुरंत ही ओबरॉय इंडस्ट्रीज की ओर निकल जाता है। इधर नमन भी ईशानी को कॉल करके बताता है कि उसने अवनी आरव को बचा लिया है। ईशानी तुरंत ओबरॉय इंडस्ट्रीज की ओर निकलती है और जब वो पहुंचती है तो ये देख हैरान रह जाती है कि इंस्पेक्टर विजय उल्टा नमन को ही मुजरिम बता रहा है। ईशानी को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो नमन की साइड लेती है। वो सबके सामने विराज का इंसल्ट भी करती है और बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। पर रास्ते में अवनी विराज का नाम बुदबुदाती है, जिसे सुन वो चौंक जाती है। अब आगे अवनी की बुदबुदाहट को सुन न सिर्फ ईशानी बल्कि अनामिका भी हैरान रह गई। अनामिका तुरंत ही अवनी के सीने पर हाथ फेरने लगी और प्यार से बोली, अवनी बेटा सब कुछ ठीक है, प्लीज सो जाइए। ईशानी अभी भी गौर से अवनी को देख रही थी, जबकि अनामिका ने आगे बढ़कर अवनी को अपने बाहों में ले लिया और फुसफुसाती हुई बोली, ईशानी बेटा चिंता मत करो, ये बस बेहोशी की वजह से ऐसा बोल रही है, होश आते ही सब ठीक हो जाएगा। ईशानी बुदबुदाती हुई बोली, पर बुआ जी अवनी विराज का नाम क्यों ले रही है? अनामिका ने सवालिय निगाह से ईशानी को देखा और धीरे से कहा, अब ये तो अवनी के होश आने के बाद ही पता चलेगा। ईशानी के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अवनी विराज जैसे अनजान शख्स का नाम ऐसे क्यों ले रही है, जैसे कि वो उसे सालों से जानती हो।
ईशानी पूरे रास्ते बस इसी के बारे में सोचती रही और जब वो घर आई तब भी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। इधर अनामिका ने आधी रात के समय ही फैमिली डॉक्टर को भी बुलाया था। उसे डर था कि कहीं बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ ना हो गया हो, लेकिन फैमिली डॉक्टर ने अवनी और आरफ को देख बेफिक्री से जवाब दिया, मिस जोशी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लाइट मोड क्लोरोफॉर्म सुघाया गया था, वैसे भी बच्चे अभी नींद में है, ये दोनों सुबह तक आराम से होश में आ जाएंगे। डॉक्टर की बात पर अनामिका ने राहत की सांस ली और डॉक्टर के वहाँ से जाते ही वो शांत आवाज में बोली, ईशानी बेटा चिंता मत करो, अवनी और आरव दोनों ठीक है, सुबह तक इन्हें भी होश आ जाएगा, तुम जाओ तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं बच्चों के साथ हूँ। ईशानी बच्चों को वापस पाने के बाद से ही ऐसा बिहेव कर रही थी कि मानो वो बच्चों को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखेगी। उसने उदास लहजे में जवाब दिया, नहीं बुआ अब मैं बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आप जाइए आप आराम कर लीजिए। एक तरफ अवनी आरव को वापस पाकर ईशानी बेहद खुश थी, वहीं दूसरी ओर विराज अभी भी ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बाहर ही खड़ा था। हालांकि इंस्पेक्टर विजय विराज के सपोर्ट में ही था, लेकिन विराज को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत भी चाहिए थे। उसने विराज को देखते हुए शांत आवाज में कहा, विराज जब तक नमन सब कुछ कबूल नहीं करता तब तक समझिए कि आप भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। विराज ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर, पर आप बेफिक्र रहिए, मैं शहर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, आप मुझे जब बुलाएंगे तब मैं चला आऊंगा, मेरे लिए अवनी और आरव मिल गए वही बहुत बड़ी बात है। इंस्पेक्टर विजय भी इस बात को नोटिस कर रहा था कि विराज अवनी आरव को लेकर किसी पिता की तरह बात कर रहा है, लेकिन उसने इस बारे में आगे कुछ भी नहीं कहा और तरुण के पास आ गया। दरअसल इंस्पेक्टर ये जानना चाहता था कि आखिर तरुण को ओबरॉय इंडस्ट्रीज में घट रही घटना के बारे में किसने बताया। उसने धीरे से पूछा, तरुण जी आपके उस मददगार का नाम जान सकता हूँ जिसने आपको यहाँ आने के बारे में बताया। तरुण इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि इंस्पेक्टर विजय उसकी मदद केवल ओबरॉय फैमिली के बिजनेस और उसके पहचान की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि वो उन लोगों की मदद इसीलिए भी कर रहा है क्योंकि सालों पहले उसने और दामिनी ने मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत मदद की थी। तरुण जानता था कि पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं कि उसका मर्लिन मर्डर गैंग से पुराना रिश्ता है। उसने विजय के सवाल पर धीरे से जवाब दिया, वो विक्रमादित्य है विजय। इधर तरुण विजय से बात कर रहा था जबकि वहीं दूसरी ओर विराज को शांत खड़ा देख एपी आहिस्ते से उसके पास आ गया और धीरे से बोला, सर जी घर चले। विराज ने रिलैक्स होते हुए उदास लहजे में जवाब दिया, हाँ एपी चलो, वैसे भी अब यहाँ करने को कुछ है नहीं। एपी विराज की आवाज में मौजूद उदासी को महसूस कर रहा था। वो जानता था कि ईशानी की बातें विराज को हर्ट कर रही है। उसने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, वैसे सर जी आपको ईशानी की बातें पर्सनली नहीं लेनी चाहिए, वो बस गुस्से में थी इसीलिए ये सब कुछ बोल गई। विराज मुस्कुरा उठा, उसने एपी के कंधे पर हाथ रखते हुए शांत आवाज में कहा, एपी भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ईशानी की बात से हर्ट होऊंगा? एपी ने जवाब दिया, पता नहीं सर जी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मुझे लगा कि आप शायद इसी वजह से परेशान हैं।
एपी की बात सुन विराज एकटक आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि विराज इस उदासी का कारण ही नहीं जानता था। विराज ने दबी हुई आवाज में धीरे से बोलना शुरू किया। एपी, मैं जानता हूँ ईशानी मेरी कोई नहीं है, लेकिन उसकी कही गई एक एक बात मेरे जहन में ऐसे घूम रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और वे अवनी आरव, ओ गॉड एपी, उन दोनों बच्चों के गायब होने पर मैं कैसा फील कर रहा था, तुम उस बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं इतना परेशान था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो अवनी आरव ईशानी के नहीं बल्कि मेरे बच्चे हो। विराज बस इतना बोलने के साथ ही अचानक से रुक गया। उसे अपने सिर में हल्का दर्द का एहसास हो रहा था। उसे अपने आसपास मौजूद बड़े बड़े बिल्डिंग्स अचानक से हिलते हुए दिखाई देने लगे। इधर एपी विराज की बातें सुनकर चौंक गया था। उसे एक सेकंड के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि विराज उसके सामने क्या बोलने जा रहा है, लेकिन जब उसने अपने सामने विराज को कांपते हुए देखा तो अचानक से वो घबरा गया। एपी तुरंत ही चिल्लाते हुए विराज की ओर बढ़ गया। सरजी, सरजी आपको क्या हो रहा है सरजी? एपी के चिल्लाने की आवाज सुनकर तरुण भी दौड़कर विराज के पास आ गया। वे दोनों विराज को सहारा देने लगे और विराज अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़े हुए दर्द से कर्राहे जा रहा था। पापा, पापा, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर दर्द से फट जाएगा। विराज की इस हालत को देख तरुण तुरंत ही डर से एपी को देखने लगा। एपी ने हड़बड़ाते हुए कहा, सरजी, सरजी, विराज सर बच्चों के बारे में खुद ही बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। विराज की हालत देख तरुण भी नर्वस था। उसने एपी को देखते हुए घबराई हुई आवाज में कहा, एपी ये समय इन सब बातों का नहीं है, चलो जल्दी विराज को कार में बैठाओ। तरुण हर पल ये सोचकर डर से भरे जा रहा था कि 3 साल पहले कही गई डॉक्टर की बात सच ना हो जाए, कहीं सच में विराज को ब्रेन हैमरेज ना हो जाए। तरुण भी डरे हुए थे। उसने कार में बैठते ही डॉक्टर शर्मा को कॉल किया और घबराई हुई आवाज में कहा, हेलो हेलो डॉक्टर शर्मा, जल्दी से घर पर आइए। तरुण घबराए हुए थे। वे बार बार विराज को सहलाते हुए उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि एपी तेजी से ड्राइव करता हुआ जल्द ही विराज के घर पर पहुंच गया। तरुण के कॉल की वजह से डॉक्टर शर्मा पहले ही घर पर आ गए थे और शोर शराबे को सुन ग्रैंडमा भी रात के 3 बजे ही जाग गई। ग्रैंडमा जब अपनी छड़ी के सहारे विराज के कमरे में पहुंची तो वहां का माहौल देख बुरी तरह से चौंक गई। वो तुरंत ही हड़बड़ाती हुई आगे आई। अरे अरे ये क्या हो रहा है? विराज, विराज बेटा क्या हुआ तुम्हें? ग्रैंडमा को यहाँ देख तरुण तुरंत ही उन्हें बाहर लेकर चला गया और उन्हें सारी बातें एक एक करके समझाने लगा। ग्रैंडमा तरुण की हर एक बात पर पहले से ज्यादा हैरान हुए जा रही थी। और फिर तरुण ने जब उन्हें अवनी और आरव के बारे में बताया तब वो तरुण को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। तरुण, ये क्या कह रहे हो तुम? दरअसल ग्रैंडमा तरुण की बात पर इसीलिए यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन्हें याद था कि 3 साल पहले जब उन्होंने अनामिका को ओबरॉय हवेली में आने से मना किया था तब अनामिका ने भी धमकी दी थी कि वो ईशानी का ओबरॉय परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रहने देगी। ग्रैंडमा को याद था कि अनामिका ने धमकी दी थी कि वो ईशानी के होने वाले बच्चों को गिरा देगी।
तरुण अपनी माँ को इस तरह अजीब तरीके से घूरते देख उन्हें धीरे से समझाते हुए बोला, माँ मैं सही कह रहा हूँ, विराज की ये हालत अवनी आरव के किडनैपिंग की वजह से ही हुआ है। अगर आप उस टाइम विराज से मिलती तो आप यकीन ही नहीं करती कि ये सच में विराज है। माँ विराज बच्चों को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तरुण और ग्रैंड माँ आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर शर्मा बाहर आ गए। उन्होंने वहाँ आते ही शांत आवाज में कहा, तरुण जी विराज ठीक है, वो बस ओवर थिंकिंग और टेंशन की वजह से परेशान हो गया था। तरुण ने राहत की सांस ली और धीरे से कहा, ओह थैंक यू डॉक्टर शर्मा, मैं सोच रहा था कि कहीं कोई सीरियस बात ना हो जाए। तरुण की बात पर डॉक्टर शर्मा ने शांत आवाज में जवाब दिया, तरुण जी हालांकि अभी तो ये कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग विराज पर ध्यान नहीं दिए तो ये एक सीरियस मैटर बन सकता है। अब कुछ भी हो जाए कृपया विराज को किसी भी तरह का तनाव मत दीजिए। मैंने विराज के लिए सप्ताह भर की दवाइयाँ लिखी है और इसमें बेड रेस्ट भी शामिल है। वैसे अगर आप लोग विराज को कहीं बाहर घुमाने ले जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तरुण ध्यान से डॉक्टर की बातें सुन रहा था, तभी ग्रैंड माँ आगे आई और मुस्कुराती हुई बोली, शर्मा बेटा अब देखना कुछ भी हो जाए लेकिन अब मैं तुम्हें वापस अपने घर आने नहीं दूंगी, मैं खुद ही अपने पोते का ध्यान रखूंगी। डॉक्टर शर्मा ने भी हंसते हुए कहा, ग्रैंड माँ भगवान करे आपकी बात सच हो, मुझे दोबारा विराज को देखने न आना पड़े, वो हमेशा स्वस्थ रहे। डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर ग्रैंड माँ शांत कदमों से विराज के कमरे में चली गई और वहीं विराज के पास बैठ गई। तरुण की तरह ग्रैंड माँ भी विराज के पास ही बैठी रही। तरुण ने उन्हें अपने कमरे में जाने के लिए कहा लेकिन ग्रैंड माँ ने साफ मना कर दिया, जब तक विराज जाग नहीं जाता तब तक वो वहीं रहेगी। इधर ईशानी का भी ऐसा ही कुछ हाल था, वो अभी भी अवनी और आरव के पास बैठी थी और देखते देखते कब सुबह हो गया उसे पता ही नहीं चला। वो प्यार से अवनी और आरव को देख रही थी और तभी अवनी जम्हाई लेती हुई उठ गई, मम्मा मम्मा गुड मॉर्निंग। अवनी की बात सुनी शानी ने नम आंखों से अवनी को देखा और तुरंत ही आगे बढ़कर उसे अपने बाहों में भर लिया। अवनी भी ईशानी के इस प्यार को देखकर खुश थी, लेकिन उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि एक बड़े बड़े मूंछ वाले आदमी ने उसके चेहरे पर एक कपड़ा रख दिया था। वो हिचकिचाती हुई बोली, मम्मा मुझे उस बैड अंकल से विराज अंकल ने बचाया ना। ईशानी गौर से अवनी को देखने लगी और धीरे से बोली, नहीं अवनी बेटा तुम्हें विराज ने नहीं तुम्हें नमन अंकल ने बचाया है। अवनी और ईशानी की बात सुन अब तक आरव भी जाग चुका था और ईशानी की बात पर उसने बीच में ही बोलना शुरू किया, पर मम्मा वो बैड अंकल तो बोल रहे थे कि नमन अंकल उसका दोस्त है। आरव की बात सुनते ही ईशानी चौंकती हुई आरव को देखने लगी। उसने जो सुना था उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या अवनी और आरव को नमन की सच्चाई मालूम है? क्या विराज को अपनी पुरानी बातें याद आ रही है? आखिर अब विराज और ईशानी के साथ आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनिए माई सीक्रेट हस्बैंड का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।